हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में ट्रेंडिंग फ्री फायर शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आप नेक्स्ट लेवल की फ्री फायर शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो हम एडिट करने वाले हैं कैपकट ऐप में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे VPN मिल जाते हैं, वहाँ से आप कोई भी एक इंस्टॉल कर लेना एंड उसे ओपन कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर सुपर VPN को ओपन कर ले रहा हूँ। देन कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको VPN से कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, मतलब कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड के अंदर VPN से आप कनेक्ट हो जाओगे, जैसे कि आप यहां देख भी सकते हो। अब VPN से कनेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने कैपकट को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको यहां पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसको आप यूज करके शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले हो। ठीक है, जैसे कि यहां पे मेरे पास एक लॉन्ग वीडियो है तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक लॉन्ग वीडियो, नॉर्मल सी लॉन्ग वीडियो ऐड हो गई है। अब इसे हम शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले हैं तो सबसे पहले तो इसका जो साइज़ है उसी को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो साइज़ चेंज करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करना एंड आपको एक एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद 9:16 का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेना। तो शॉर्ट्स वीडियो का जो रेशियो होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली सा डन कर देना है। डन करने के बाद अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर इसका जो साइज है उसे यहाँ से इंक्रीज कर लेना है और पूरा स्क्रीन में अच्छे से फिल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो हमारा शॉर्ट्स वीडियो के रेशियो में कन्वर्ट हो गया। फिर थोड़ा बहुत इसे अच्छे से एडजस्ट कर देना, मतलब कि कैरेक्टर को सेंटर में रखना है। देन आप इसे बैक कर लेना एंड उसके बाद इसे प्ले करके आप देखना। और जो जो पार्ट्स आप दिखाना चाहते हो शॉर्ट्स वीडियो में उतना ही आप रखना, और जो अननेसेसरी है या फिर जहाँ पे आप सिर्फ बंदों को ढूंढ रहे हो, एनिमी को ढूंढ रहे हो, कार वगैरह चला रहे हो, वो सब तो शॉर्ट्स वीडियो में नहीं रहेगा। ठीक है, फाइट वगैरह रहता है शॉर्ट्स वीडियो में, तो वही सब पार्ट्स को आप रखना और जो अच्छे वाले पार्ट नहीं है उन्हें आप अपने वीडियो से हटा देना। जैसे कि हम यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाला है रनिंग वाला, मैं ये वाला पार्ट रखना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं एंड इसे स्प्लिट कर देते हैं। ये पार्ट यहाँ पे सेपरेट होके हमारा रह गया। ठीक है, अब जो जो पार्ट से यहाँ से हटाना लायक होगा उसे हम हटा देंगे। अब ये जो फाइट है वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें वन टैप या फिर किल वगैरह नहीं हुआ था एक बार में, तो ये सीन अच्छा नहीं है, सो इसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो हटाने के लिए जितना दूर तक हटाना है वहाँ तक आप चले जाना, और लाइक मैं इतना दूर तक हटाना चाहता हूँ तो इसे स्प्लिट कर देना। ठीक है, स्प्लिट करने से फिर ये एक पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूं तो आप देख पा रहे हो ये एक पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हमें हटाना है तो इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो जो पार्ट्स अच्छे लगते हैं अपने वीडियो में उन्हें कट कर करके रख लेना है। ओके, मैं भी यहाँ पर रख लेता हूँ, जैसे कि ये वाला भी ठीक है तो इतना दूर तक रखते हैं। और यहाँ पे कोई एक इंटेंस फाइट वगैरह जहाँ पे हो रहा होगा उस वाले फाइट को जस्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हो मतलब कि सबसे पहले कट्स वगैरह लगा लेना है। सो यहाँ पे मैंने सारे क्लिप्स को अच्छे से अरेंज कर लिया है। अरेंज मीन्स व्हाट, कि जो जो क्लिप्स मुझे सही लग रहे थे उन्हें मैंने रखा और जो मुझे सही नहीं लग रहे थे उन्हें मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट करना है। एडिटिंग में सबसे पहले हम स्लो मोशन कर लेते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा जहाँ पे नॉक करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्लिप में यहाँ पे नॉक कर रहे हो, नॉक करने के बाद वीडियो स्लो हो जाता है जो कि देखने में काफ़ी कमाल का लगता है। ठीक है, मतलब कि आपने किसी को नॉक किया उसके बाद स्लो हो रहा है तो वो देखने में काफ़ी सही लगता है। या फिर और भी दूसरे पार्ट में आप अपने वीडियो में स्लो मोशन अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये रनिंग वाले पार्ट में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो स्लो मोशन कैसे किया जाता है वो हम सीख लेते हैं, फिर आपको जहाँ अप्लाई करना चाहोगे स्लो मोशन वहाँ पे आप अप्लाई कर लेना। ओके, तो जिस भी वीडियो क्लिप में आप स्लो मोशन करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर कर्व के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कस्टम का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको स्लो मोशन करने के लिए कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गए। अब ये पॉइंट की मदद से यहाँ पर स्लो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम स्लो करने वाले हैं जहाँ पे नॉक डाउन हो जा रहा है, लाइक यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे स्लो करना है, तो यहाँ का जो ये पॉइंट है इसे पकड़ के आप नीचे कर दो, ये वाला पार्ट स्लो हो जाएगा। लाइक मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसे और नीचे करेंगे तो ये और स्लो हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो स्लो हो गया। तो स्लो मोशन करने का बेसिक तरीका यही है, मतलब कि इस पॉइंट को पकड़ के आपको नीचे कर देना है, स्लो हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को नीचे करना है, कहाँ पे करना है ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हमें जो है वो स्लो मोशन इसके बाद चाहिए, मतलब कि जहाँ पे नॉकडाउन हो गया है उसके बाद स्लो करना है। बट आप देख सकते हो इधर भी ये ग्राफ जो है वो नीचे आ गया है, तो ये सभी जो पार्ट होंगे ना वो भी स्लो हो गए। तो इसलिए जहाँ पे आपको स्लो मोशन करना है, जहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ पे आप एक बीट ऐड कर देना। ऐड बीट का आपको ऑप्शन मिलता है, क्लिक कर देना, बीट ऐड हो जाएगा। और इसे नॉर्मल रखना है, ठीक है, नॉर्मल लाइन में आप रख देना। फिर जहाँ आप स्लो मोशन करना चाहोगे, मतलब कि जहाँ नॉकडाउन हो जाएगा, वहाँ पर सिर्फ आप इसे नीचे करना। जैसे कि ये दोनों को मैंने नीचे किया, तो अब नॉकडाउन होने के बाद स्लो हो रहा है, थोड़ा सा और पहले इसे रखना चाहिए हमें। तो यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे। हाँ, अब बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्ले कर करके यहाँ पे देख लेना और आप इसे स्लो कर लेना। ओके, अब इसे स्लो मोशन को स्मूथ बनाने के लिए, मतलब कि जो अटक रहा है अभी, आप देख सकते हो ये लगता है कि अटक गया है, स्क्रीन लग रहा है ना, तो उसे स्मूथ बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना, फिर बेटर क्वालिटी को सेलेक्ट करना एंड डन कर देना। तो ये स्मूथ हो जाएगा, लाइक यहाँ देख पा रहे हो अप्लाई हो रहा है स्मूथ, ठीक है, फिर आपको डन कर देना। सिमिलर वे में आप जो जो वीडियो क्लिप में स्लो मोशन करना चाहे तो कर लेना, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दिया है। ओके, ये हो चुका। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर लेना है अपनी वीडियो में, एंड ट्रांजिशन के बाद कलर ग्रेडिंग कर लेंगे। देन कलर ग्रेडिंग के बाद हम ग्लो इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और भी इफेक्ट वगैरह हम अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करेंगे, मतलब कि सारा चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा चीज़ मैं आपको आराम से यहाँ पे दिखा देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्लो मोशन हो चुका है। अब ट्रांजिशन ऐड करने से हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो ट्रांजिशन वाला बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन है, लाइक कुछ आपको नॉर्मल ट्रांजिशन मिलेंगे, कुछ आपको इस टाइप के ट्रांजिशन मिलेंगे, सेक इफेक्ट मिलेंगे, इस टाइप को बहुत सारे यहाँ ट्रांजिशन है, ठीक है। तो जो आपके वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला काफ़ी सही लग रहा है, फिर यहाँ पे आपको सेक मिलता है, ये भी काफ़ी सही लग रहा है, इसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसका ड्यूरेशन आप यहाँ से कम ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो जितना सही लगे रख लेना, मैं इतना ही रख लेता हूँ, फिर डन कर लेते। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से रनिंग हो रहा है, उसके बाद कुछ ऐसा ट्रांजिशन ऐड हो गया जो कि काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा भी लगता है, जैसे कि वीडियो का स्टार्टिंग में हमने रनिंग किया, रनिंग करने के बाद हम पहुंच गए इस बंदे के पास, उसके बाद इसके पास फाइट किया, ठीक है। तो एक स्टोरी टाइप का हमारे शॉर्ट्स वीडियो में बन रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से मीन से ट्रांजिशन के ऊपर आना, एंड जो ट्रांजिशन आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करना। मुझे ये सेक वाला सही लग रहा है तो मैं इसी को रख लेता हूँ, ठीक है, फिर डन कर लेते हैं। आप अपना मनपसंद, मतलब कि जो वीडियो के ऊपर सही लगे रख लेना। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करना है। स्लो मोशन ट्रांजिशन हमने ऐड कर लिया है, तो कलर ग्रेडिंग करना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। आप अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर सबसे पहले ना आप जो कॉन्ट्रास्ट इसे इंक्रीज कर लेना, क्योंकि इसे आप इंक्रीज करोगे तो वीडियो की क्वालिटी तो बढ़ेगी, साथ ही में जो कलर्स वगैरह होते हैं वो भी काफी सही हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये इसे आप इंक्रीज करना, फिर शार्पन, ये दो चीज़ को इंक्रीज कर दोगे तो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिफोर की क्वालिटी जो कि काफ़ी नॉर्मल है, और ये आफ्टर आप देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एंड हाँ, वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने वीडियो की क्वालिटी को काफ़ी इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो उसे बिल्कुल भी आप मिस मत करना। फिलहाल हम यहाँ पर कलर ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पन को आप इंक्रीज कर देना, फिर ब्रिलियंस के ऊपर आके ना इसे आप थोड़ा सा इंक्रीज करना, और ये जो ब्राइटनेस है इसे थोड़ा डिक्रीज कर देना, तो इससे ना एक डार्क इफेक्ट बन जाता है वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके HSL में आना है। HSL में आने के बाद सबसे पहले आप ये जो दो कलर्स हैं, एक ग्रीन और एक येलो, इन दोनों कलर्स का HUE को कम कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं, फिर इसे इतना कर लेते हैं। ओके,
मतलब कि बेसिकली हमें जो ग्रीन कलर है उससे थोड़ा येलो येलो टाइप को कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। ओके, तो आप यहाँ से इन दोनों को जितना अच्छा लगे आपके वीडियो के ऊपर उतना डिक्रीज कर लेना। फिर उसके बाद सेचुरेशन वगैरह आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लाइक इंक्रीज करोगे तो बढ़ जाएगा, डिक्रीज करोगे कम होगा, तो थोड़ा सा हम डिक्रीज ही कर लेते हैं। फिर इसका सेचुरेशन को भी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा सा इसे डिक्रीज कर ले रहा हूँ, काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्काई का कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे है स्काई का कलर, इसके ऊपर आके एच यू से आप कर सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा डिक्रीज, कुछ ऐसा बन गया। फिर सेचुरेशन से इन्हें बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डन कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो कलर ग्रेडिंग है वो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप अगर इसे थोड़ा और डार्क इफेक्ट में बदलना चाहते हो तो यहाँ स्क्रॉल करना और ये शैडो के ऊपर आना और इसे आप डिक्रीज कर देना। ठीक है, तो ये डार्क इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही सेम सेटिंग हमें सभी में करना है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, सभी में अप्लाई हो जाएगा, फिर डन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कलर ग्रेडिंग का काम है वो हो चुका है। नाउ इफेक्ट्स हम अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि ग्लो इफेक्ट या फिर और भी जो ट्रेंडिंग इफेक्ट्स है वो सारे। तो इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, फिर आपको वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे ग्लो इफेक्ट अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रीमी ग्लो का एक ऑप्शन मिलता है, इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ स्क्रॉल करना और लाइट इफेक्ट पे आना, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट कर लेना, फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है। ओके, आप जैसे ही सेलेक्ट करके डन कर लोगे आपके वीडियो में ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ये हमारी बिफोर की वीडियो आप देख सकते हो नॉर्मल से, और ग्लो इफेक्ट ऐड करने के बाद ग्लो वाली वीडियो काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, तो इसे ग्लो इफेक्ट को पूरा वीडियो के ऊपर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके और भी बेहतर बना सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सारे चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक ये ग्लो कितना रखना है, जितना वीडियो के ऊपर सही लगे उतना आप रख लेना। फिर यहाँ पर रेंज अगर आप कम करोगे तो ये फैल जाएगा, अगर आप इसे इंक्रीज करोगे तो एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो मैं इसे 50 के आसपास रख लेता हूँ, सही लग रहा है। फिर यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन मिलता है, तो साइज से भी बिल्कुल वही रेंज के जैसा है, ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो पूरा वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा, फैल जाएगा, कम करोगे तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलता है, कलर को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपके वीडियो के ऊपर कौन सा कलर सही लग रहा है। जैसे कि मेरे वीडियो के ऊपर ये जो पिंक टाइप का कलर है वो काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, तो इसे मैं रख लेता हूँ। ओके, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रख लेना। फिर आपको यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जितना अच्छा लगे, जैसे कि मैं इतना रख लेता हूँ, फिर डन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे वीडियो के ऊपर ग्लो इफेक्ट ऐड हो गया, बट ये ग्लो थोड़ा सा कम है, तो इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पर एडजस्ट से ग्लो को इंक्रीज कर लेता हूँ। नाउ अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पे अरेंज कर लेना, मीन्स इफेक्ट वगैरह को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेना यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सभी को रखा है, स्टार्टिंग में सभी को मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा, फिर यहाँ से कम 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 कम, फिर लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ इस तरीके से आप भी यहाँ पे पैटर्न बना सकते हो, फिर डन कर लेना है। ठीक है, तो ग्लो इफेक्ट हमारे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम अपने वीडियो में ट्रेंडिंग इफेक्ट्स अप्लाई करने वाले। तो ट्रेंडिंग इफेक्ट्स में सबसे पहले जो वीडियो का स्टार्टिंग में रहता है वो हेलो ब्लर या फिर कोई ना कोई लेंस ब्लर इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो उसे अप्लाई करने के लिए वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करना, यहाँ पर आपको एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप आओगे तो बहुत सारे आपको इफेक्ट मिलेंगे जो कि आप अपने वीडियो के स्टार्टिंग में रख सकते हो, जैसे कि आपको हेलो ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी कमाल का लगता है, हेक्सागोनल आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं, तो इनमें से जो पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, मुझे हेलो ब्लर काफ़ी सही लग रहा है तो मैं हेलो ब्लर को ही रख लेता हूँ, फिर यहाँ पे डन कर लेते हैं। अब उसके बाद इसका ड्यूरेशन जितना दूर तक आप रखना चाहो यहाँ से आप रख सकते हो, फिर इसे आपको प्ले करके देख लेना है कि सही हुआ या नहीं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, सो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप फिर से यहाँ पर बैक करके जस्ट वीडियो इफेक्ट के ऊपर आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में ही बहुत सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट मिल जाएंगे,
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ड्रीमी ग्लो ट्रेंड पे था, तो वो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है देखने को। स्प्लिट फ्लिकर ये भी काफ़ी ट्रेंड में, ये भी मिल जाएगा। ये वाइब्रेशन फ्लैश है, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो ये भी आपको मिल जाता है। इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको इसे डन कर लेना है। देन जितना दूर तक रखना चाहो वहाँ तक रख लेना, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारा जो है वो एक हेडशॉट लगा है या फिर हमने किल किया है, तो वहाँ पे अगर से एक इफेक्ट अप्लाई है तो मस्त लगेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। उसी तरीके से आप भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग जहाँ सही लगे वहाँ पे आप रख लेना। अगेन और भी इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप वीडियो इफेक्ट को पर आना, ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट मिलेंगे, तो आप यहाँ से अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लाइक ये वर्टिकल शेक, ठीक है, फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, तो जो सही लगे आप यहाँ से अप्लाई कर लेना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आपको इफेक्ट मिलता है, आपको ये सारे नाइट क्लब वगैरह, लाइट इफेक्ट वगैरह, इन सब में भी बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। बट अगर आपको ट्रेंडिंग वाले आपको खोज रहे हो तो डायरेक्ट आप ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में आ जाओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो सही लगेगा आप अपने वीडियो के ऊपर उसे अप्लाई कर लेना, ठीक है। मुझे ये वाला काफ़ी सही लग रहा है वाइब्रेशन फ्लैश, तो इसी को रख लेता हूँ, फिर डन कर लेते हैं। देन जहाँ रखना चाहे वहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे एडिट हो चुका है, इफेक्ट वगैरह ऐड हो गया, सारी चीज़ें यहाँ हो गई है। अब इसमें हमें सिर्फ म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक ऐड करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। ओके, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ऑडियो के ऊपर आप जाना एंड यहाँ पे साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। देन डिवाइस के ऊपर क्लिक करके जो म्यूजिक आप यूज़ करना चाहो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला म्यूजिक सेलेक्ट करना मीन्स व्हाट, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जितना टाइम तक आपका वीडियो होगा उतना दूर तक आके म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके इसे स्प्लिट कर लेना और बाकी पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड हो गया। ओके, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सारी एडिटिंग हो चुकी है, लाइक आप देख पा रहे हो। अब हमें सिर्फ एक काम करना है और वो है कि वीडियो की क्वालिटी को इनक्रीज़ करना है। तो वीडियो की क्वालिटी इनक्रीज़ करने के लिए आप वीडियो के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करोगे तो कैपकट में ना एक नया टूल आया है, या फिर यू बोल सकते हो नया वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आया है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इमेज क्वालिटी का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको पूरा मतलब कि इसे अप्लाई करना और ये जो रहता है इसे पूरा अल्ट्रा कर देना, ठीक है। इसे पूरा कर दोगे तो आपका जो वीडियो का क्वालिटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड हाँ, ये जो टूल है या फिर ये जो फीचर है वो कैपकट के लेटेस्ट वाले वर्जन में ही है, तो अगर आपके पास है कैपकट का पुराना वाला वर्जन देन उसे आप अपडेट कर लेना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो इसके बारे में जानने के लिए। इंस्टाग्राम आईडी है 02 सुधांशु, ठीक है। तो इसे आपको अप्लाई कर देना है, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा जैसे कि आप ये देख सकते हो। फिर आप इसे डन कर देना। अगेन सेम आपको दूसरे वाले क्लिप में भी जाना है एंड यहाँ से ये जो वीडियो क्वालिटी है इसके ऊपर क्लिक करके इसे अप्लाई करके डन कर देना है, ठीक है। तो सभी के ऊपर आप ये जस्ट इफेक्ट अप्लाई कर देना, आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा। लाइक यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है एंड मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियो की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। अब बात रहा इसे अपने डिवाइस में सेव करने का, तो सेव करने के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करना और जितना मैक्सिमम क्वालिटी सेलेक्ट होता है आपके डिवाइस में जितना सपोर्ट करता है उसे आप सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, तो अच्छे क्वालिटी में आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें ये सब पता चल चुकी हैं एंड अब आप आराम से वीडियो को बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।